नीरज जी, आप तो भारतीय सेना में हैं और जी सर, सेना के ऐसे कोने से अनुभव है, जो अनुभव, वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसने आपको खेल में इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की? सर देखो, मेरा शुरू से ही एक था कि मुझे भारतीय सेना बहुत पसंद थी और मैं 5-6 साल खेला। उसके बाद मुझे भारतीय सेना ने ज्वाइन करने के लिए बोला तो मुझे काफी खुशी हुई। फिर मैंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया और उसके बाद से मैं अपना गेम में फोकस कर रहा हूँ और भारतीय सेना मुझे जितनी फैसिलिटी और जो मुझे चाहिए और जो भारत सरकार सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं अपना पूरा मन लगा के मेहनत कर रहा हूँ। नीरज जी, मैं आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी देख रहा हूँ, आपके परिवार को भी मैं प्रणाम करता हूँ। नीरज जी, मुझे ये भी बताया गया है कि आपको इंजरी हो गई थी, लेकिन फिर भी आप इस साल अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। आपने अपना मनोबल, अपनी प्रैक्टिस को, ये सब कैसे संभाले रखा? मैं मानता हूं सर कि जो इंजरी है वो एक स्पोर्ट्स का पार्ट है। तो जो मैंने 2019 में काफी मेहनत की थी, उस साल वर्ल्ड क्या चैंपियनशिप आपको हमारी और इस तो आपको स्पोर्ट्स की इंजरी में भी स्पोर्ट्स पर फ्रीड दिखता है? सर, क्योंकि हमारा यही सफर है, कुछ साल का हमारा करियर होता है और हमको अपने आप को मोटिवेट करना होता है। तो मेरा एक साल इसकी वजह से खराब हो गया था, क्योंकि मैंने तैयारी काफी की थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और एशियन चैंपियनशिप के लिए, लेकिन इंजरी की वजह से वो उसमें दिक्कत होगी। फिर मैंने अपना पूरा फोकस ओलंपिक पे किया और अब दोबारा से कम बैक किया, अच्छे से मैंने फर्स्ट कॉम्पिटिशन खेला, उसमें ही ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था। उसके बाद फिर कोरोना की वजह से ओलंपिक पोस्टपोन हो गया, तो फिर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी सर, और फिर उसके बाद जो दोबारा से कॉम्पिटिशन खेल ले और फिर अपनी बेस्ट करके नेशनल रिकॉर्ड किया। और अभी भी सर पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया करके आए ओलंपिक में। नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं, आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है, आप थैंक यू सर। अपना शत प्रतिशत दीजिए, बस यही मिजाज, बस बिना सर किसी यही दबाव के कोशिश पूरा है। यस सर। प्रयास कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं और आपके माता पिता को भी प्रणाम है।